हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 9, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी आपको गिवेन है और उसका सम आपको गिवेन है, तो बोल रहा कितने टर्म का सम जो है 636 होगा। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आपको है, एपी गिवेन है, एपी कितना है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, एक एपी आपको गिवेन है। ठीक है बच्चों, एक एपी आपको गिवेन है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7 हो गया, डी क्या हो गया 17 माइनस 9 जिसको 8 बोलते हैं, और सम कितना है 636 सम दिया हुआ है, तो SN कितना दिया हुआ है, SN आपको 636 SN दिया हुआ है। इसमें आप क्या करोगे, हाउ मेनी टर्म्स मतलब आपको N फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप SN का लिख दो, SN इक्वल्स टू क्या हो गया N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, आपको फॉर्मूला हो गया। अब देखो SN कितना है 636, तो यहां आप लिखोगे 636 इक्वल्स टू N अपॉन 2 2 इंटू ए, कितना है बच्चों ए है 7, तो ए के बदले हमने 7 पुट कर दिया, प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8, तो हमने डी के बदले 8 पुट कर दिया। अब देखो, अब इस डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो लिखते हैं 636 इंटू 2 इक्वल्स टू N 14 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 18 माइनस 8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे ए आपको 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 7 नहीं होगा, सॉरी यहाँ 9 होना चाहिए, ए 9 है तो यहाँ भी आपको ए 9 होगा, यहाँ आपको ए 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू एन 10 प्लस 18 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये आपका टर्म हो गया। अब क्या करोगे, सबको एक साइड ले आओ, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसमें से क्या कर सकते हो आप, इसमें से आप इसका कॉमन ले लो, अगर 2 इसमें से कॉमन ले लोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसका क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, टर्म आपका आ गया, इसका आप क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, आपको पता है इस टर्म को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिडिल टर्म पता है कैसे करते हैं, इस टर्म को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, आप इसको पॉलीनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या बच्चों, इसमें कॉमन आपको n कॉमन दिख रहा है इसमें, तो हमने इसमें से n कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4n प्लस 53 बच गया, इसमें से कॉमन क्या लेंगे 12 कॉमन लेंगे माइनस 12, तो 4n प्लस 53 यहां भी आपको बच जाएगा। आप देखो दोनों टर्म सेम आ गया, ये दोनों टर्म सेम आना ही चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है, तो अब इसके बदले क्या लिखोगे आप, इस दोनों को एक साथ लिख दो, 9 माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना जानते हो आप, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करोगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करोगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, और 50 माइनस 53 अपॉन 4 आ जाएगी, तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो ये आंसर कितना आ गया, n की वैल्यू आपको 12 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी
इज फाइव, फर्स्ट टर्म फाइव है एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपको गिवन है 45 एंड सम आपको गिवन कितना है 400। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है, एन एन और डी दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, सिंपल सा अपने जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है 85, तो हमने फर्स्ट टर्म के बदले 85 लिख दिया। और क्या गिवन है, एंड द सॉरी एंड द फर्स्ट टर्म इज 5 है तो 5 लिखा, सॉरी एंड द लास्ट टर्म इज 45 तो लास्ट टर्म को यहां पे लिखो क्या, एन आपको कितना गिवन है 45 गिवन है। और देखो एंड एसएन कितना है 400, तो एसएन के बदले हमने क्या लिख दिया 400, यहां पे एसएन के बदले हमने लिख दिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन करना है और डी करना है, तो हमने यहां पे एन और डी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हमको करना है। ओके अब देखिए, अब एसएन हमको पहले करना क्या है, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एसएन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, हम जानते हैं एसएन इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। आप जानते हो कि एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन टू ए प्लस एल होगा। अब एसएन कितना है यहां पे, एसएन 400 है, एसएन की जगह पे हम यहां पे 400 पुट कर दोगे। अब एन कितना है, एन आपको नहीं मालूम, एन आपको फाइंड आउट करना है, तो एन अपॉन टू इंटू ए कितना है 5 प्लस एन 45, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो गया 800 इक्वल्स टू 5n प्लस 57 डायरेक्ट कर दो n इंटू 50, इसको हो गया 800 अपॉन 50 इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आपको कितनी आ गई, n की वैल्यू आपको 16 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप d फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है कैसे करते हैं, n इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके एन कितना है 45, तो यहां पे हमने 45 लिख दिया। अब ए देखो, ए यहां पे क्या है 5, तो ए के बदले में यहां पे 5 लिख दोगे। अब एन आपको आ गया, एन कितना आ गया 16, तो यहां पे लिखोगे 16 माइनस 1 इंटू डी, डी देखो डी कितना है, डी नहीं मालूम, तो आपको इससे डी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए आइए प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसको लिखोगे 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 इंटू डी, दैट मीन्स 40 अपॉन 5 इक्वल्स टू डी 8 अपॉन 3, डी की वैल्यू क्या हो गई 8 अपॉन 3 हो गई डी की वैल्यू। बहुत इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर and what is their sum, and what is their sum। चलिए क्वेश्चन देखो अच्छे से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है 17 है, तो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म को आप जानते हो ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म कितना है 350, तो लास्ट टर्म को आपको पता है, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। अब देखो इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो यहां पे डी क्या है, डी आपको गिवन है 9, देन हाउ मेनी टर्म्स, मतलब आपको एन फाइंड आउट करना है और आपको एस एन फाइंड आउट करना है, दोनों की वैल्यू आपको
फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, आप जानते हो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। एस एन कितना है, एस एन आपको दिया हुआ है, एस एन आपको फाइंड आउट करना है, एस एन आपको नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला पुट मत करो, अभी एन का फॉर्मूला पुट कर लो, तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इससे आप एन फाइंड आउट कर लोगे, फिर उसमें पुट कर सकते हो। देखो एन कितना बच्चों 350, तो एन के बदले हमने 350 पुट कर दिया। अब ए देखो, ए कितना 17, यहां 17 पुट कर दिया, प्लस एन माइनस वन इंटू नाइन, डी नाइन, नाइन पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लो, 350 माइनस 17, नाइन इन माइनस नाइन, तो क्या हो जाएगा 17 3 3 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 9n, तो जाएगा यहाँ पे 342 अपॉन 9 इक्वल्स टू n, 38, n की वैल्यू कितनी हो गई, 38 हो गई, n की वैल्यू क्या आपको आ गया, n की वैल्यू आपको 38 आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, sn का फॉर्मूला पुट करोगे, sn इक्वल्स टू क्या हो गया, n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब sn के n कितना है, n 38 है, तो 38 अपॉन 2 इंटू a, ये देखो a कितना है 17, तो a के बदले 17 पुट कर दिया, 38 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बच्चों, d है 9, यहाँ 9 पुट कर दिया, फिर 19 34 प्लस 37 इंटू 9, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 6973। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म कितना है इज 149। अब देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, क्या बोल रहा है आपको कि 22 टर्म का आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, 22 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखोगे, एस 22 आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, विच डी कितना दिया हुआ है, डी आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो डी के बदले कितना लिखोगे, 7 लिखोगे, डी के बदले हमने कितना लिख दिया 7, एंड द 22nd टर्म कितना है 149, ए 22 आपको कितना गिवन है, ये आपको 149 गिवन है। ओके, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एस 22 इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए 22, ये फॉर्मूला होता है आपको पता है, एन कितना होगा 22, तो 22 अपॉन टू ए कितना यहाँ पे है, ये आपको ए फाइंड आउट करना है, ए नहीं मालूम है, और ए 22 कितना है 149, यहाँ पे 149 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, तो इससे आपको ए की वैल्यू भी नहीं मालूम है और एस 22 दोनों दो अनोन इसमें है, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कैसे करते हैं सॉल्व, 149 जिसमें आपको दो अनोन है, आपको ये गिवन था, ए 22 गिवन था, इसका हेल्प लेके देखते हैं ए 22 का फॉर्मूला क्या है, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखते हैं ए 22 कितना, 149, यहां पे हमने लिख दिया 149 इक्वल्स टू ए, आपको कितना है ए को ए रख दो, एन कितना 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 7,
149 इक्वल्स टू ए 21 इंटू 7 देन 149 इक्वल्स टू ए 147 देन 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए ए इक्वल्स टू कितना हो गया ए की वैल्यू आपको यहां पे 2 आ गई। इस ए की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो आंसर आ जाएगा। करो देखो 11 इंटू 2 प्लस 149 क्या हो गया 11 इंटू 151 इसको सॉल्व करोगे 1661 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी हूज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब आपको एस 51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हूज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 इसका सेकेंड टर्म और आपको कौन सा टर्म दिया हुआ 18 टर्म दिया हुआ है कौन सा टर्म दिया हुआ है आपको आपको सेकेंड टर्म मतलब ए सेकेंड आपको कितना दिया हुआ 14 और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो ए टू इक्वल्स टू कितना है 14 तो इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 14 है ओके। अब देखो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 14 एंड ए प्लस डी इक्वल्स टू 14 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड देखिए सेकेंड क्या है ए थ्री से तो ए थ्री आपको कितना गिवन है 18 है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 18 देन ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 18 देन ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18 ये आपको सेकेंड इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप करो a प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 तो माइनस d इक्वल्स टू माइनस 4 देन d की वैल्यू क्या हो गई d की वैल्यू आपको यहां से 4 हो गई। अब d की वैल्यू किसमें पुट करोगे फर्स्ट में पुट करोगे उससे क्या हो जाएगा उससे आपको a निकल जाएगा यहां पर लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या है ए प्लस डी इक्वल्स टू 14 है तो ए डी कितना है 4 इक्वल्स टू 14 देन ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4 देन ए की वैल्यू क्या हो गई ए की वैल्यू आपको 10 हो गई ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब आपको सम निकालना है 51 टर्म का फॉर्मूला पुट कर दो एस 51 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन कितना है एन आपको वहां पे दिया हुआ है 51 तो एन की मतलब आप कितना पुट करोगे 51 तो 51 अपॉन 2 टू इंटू ए कितना है 10 यहां पे हमने 10 पुट कर दिया प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी डी कितना है डी ए 4 यहां पर हमने 4 पुट कर दिया तो इसको सॉल्व कर दो 51 अपॉन 2 20 50 इंटू 4 51 अपॉन 2 20 200 अब 51 अपॉन 2 इंटू 220 ये आपको हो गया 1110 51 अपॉन 1110 करोगे
5610 इसका सॉल्यूशन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17th terms is 289. Find the sum of first n term. क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी 49, मतलब S7 आपको कितना गिवन है, 49 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, मतलब S7 कितना गिवन है, S7 आपको 49 गिवन है। एंड द 17 टर्म इज 289 एंड S17 कितना है, 289 है। तो आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको S9 निकालना है, S9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब अच्छे से क्वेश्चन को देखते हैं। S7 दिया आपको 49, लिखोगे यहां पे S7 इक्वल्स टू 49, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d = 49। अब देखिए n कितना है 7, तो 7/2 2a + n कितना 7, तो 7-1 × d = 49। 7/2 2a + 6d = 49। अभी 2 उधर चला जाएगा, तो 2a + 6d = 49 × 2/7। 2a + 6d = 14। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a + 3d = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दोनों सर ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, दोनों साइड से 2 कॉमन लेके 2 कट गया। अब देखो अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, S17 आपको दिया हुआ कितना, 289 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां पे S17 = 289। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d = 289 हो गया। अब a, अब इसको n कितना है, n यहां पे 17 है, n की जगह हमने यहां पे 17/2 2a + 17-1 × d पुट कर दिया = 289। इसको सॉल्व कर देंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 17 इसको उधर भेज दो, तो 2a + 16d = 289 × 2/17। ठीक है, तो 2a + 16d इसको कट करोगे, 17 जा 289, ये 34 यहां पे आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, a + 8d = 17, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, इसको सॉल्व करके आप a और d निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, a + 3d की वैल्यू कितनी है, 7 है। सेकेंड क्या है, a + 8d की वैल्यू 17 है, -1 से कट गया, -5d = -d, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, d की वैल्यू 2 हो गई। आपको a अगर फाइंड आउट करना है तो d की वैल्यू किस में, किसी 1 में पुट कर दो, ठीक है ना। तो हमने d की वैल्यू को किस में पुट कर दिया, putting the value of d in equation first। इक्वेशन फर्स्ट अपने क्या था,
ए प्लस थ्री डी था, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था ए प्लस थ्री डी था, तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू सेवन, ठीक है। तो डी कितना है, डी यहाँ पे टू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सेवन, इक्वल्स टू सेवन माइनस सिक्स, ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। आपको निकालना क्या है, एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन का फॉर्मूला लिख दो, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एन को एन छोड़ दो, अब ए कितना है वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है टू, इसको सॉल्व कर दो, एन अपॉन टू टू प्लस टू एन माइनस टू, टू से टू कट गया, तो क्या हो गया टू एन स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है शो दैट ए वन ए टू ए थ्री ए एन फॉर्म एन ए पी, क्या ये ए पी को फॉर्म कर रहा है, और आपको गिवन क्या है ए एन इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर एन है, और एपी को शो कर रहा है, तो एस फिफ्टीन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ये टर्म दिया हुआ है, क्या ये टर्म एपी को शो करेगा, ये प्रूफ करना है। क्या यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे एन के बदले वन पुट कर देंगे, थ्री प्लस फोर इंटू वन ये क्या हो गया, ये सेवन हो गया। सेकेंड एन के बदले टू पुट कर देंगे तो थ्री प्लस फोर इंटू टू ये इलेवन हो गया, फिर एन के बदले थ्री पुट कर देंगे तो थ्री प्लस फोर इंटू थ्री ये कितना हो गया फिफ्टीन, तो सेवन इलेवन फिफ्टीन, क्या ये एपी को शो किया, ये माइनस ये देखो फोर, ये माइनस ये देखो फोर, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपको एपी को शो करेगा। अब बोल रहा है इसका एस फिफ्टीन निकालना है, तो इसमें ए क्या हो गया, ए आपको सेवन हो गया, डी क्या हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को डी बोलते हैं, आपका फोर हो गया। आप निकालोगे आप क्या, आप एस एन फाइंड आउट करोगे, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, आपको एस एन हो गया, ठीक है। आपको निकालना है एस फिफ्टीन निकालना है, आपको फिफ्टीन टर्म का सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एस फिफ्टीन इक्वल्स टू फिफ्टीन अपॉन टू टू इंटू ए, क्या यहाँ पे गिवन है सेवन, ए के बदले हमने यहाँ पे सेवन पुट कर दिया, फिफ्टीन माइनस वन इंटू डी, डी कितना गिवन है, डी यहाँ पे फोर गिवन है, तो डी के बदले हमने वहां पे फोर पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दोगे फिफ्टीन अपॉन टू फोर्टीन फोर्टीन इंटू फोर, तो यहाँ पे हो गया फिफ्टीन अपॉन टू फोर्टीन प्लस फिफ्टी सिक्स, फिफ्टीन अपॉन टू इंटू सेवनटीन थर्टी फाइव हो गया, इसको सॉल्व कर दो, थर्टी फाइव इंटू फिफ्टीन, फाइव ट्वेंटी फाइव, इसका आंसर क्या आ गया, फाइव ट्वेंटी फाइव इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। आईएमपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम दिया हुआ किसी एपी का फोर एन माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ, बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब क्या, एस वन रख दो तो फोर इंटू वन माइनस वन स्क्वायर, फिर क्या हो गया फोर माइनस वन थ्री, ये थ्री हो गया। अब एक चीज अच्छे समझो, मान लो कि एक टर्म आपको दिया हुआ है a1, एक टर्म a2, एक टर्म a3, तो अगर इसका सम मान लो 3 है और इस दोनों का सम मान लो 5 है, ठीक है, मतलब आपको
एस वन अगर थ्री है और एस टू मतलब दो टर्म का सम आपको फाइव है, तो अगर आपको इस सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म को लिख सकते हो पूरे के सम में से ये सम माइनस करोगे, मतलब दोनों के सम फाइव में से अगर ये टर्म माइनस कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना हो ए थ्री, तो क्या करोगे तीनों के टर्म में से तीनों के सम में से दो सम माइनस कर दो, इसको लिखोगे एस थ्री माइनस एस टू। ये इसका कंसेप्ट है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो टू टर्म का सम कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो गया, जहां पे n है वहां पे हम टू पुट कर देंगे, तो एट माइनस फोर क्या हो गया फोर। थर्ड में बोल रहा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, तो मैं सिखा चुका हूं वहां पे, समझा चुका हूं कि सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या लिखोगे एस टू माइनस एस वन, मतलब फोर माइनस थ्री क्या हो गया वन हो गया। नेक्स्ट दे क्वेश्चन, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपको फाइंड करना, थर्ड टर्म फाइंड करने में क्या हो गया सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ सेकेंड टर्म। सम ऑफ थर्ड टर्म निकालने के लिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री पुट करना पड़ेगा, तो फोर इंटू थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का सम, यहाँ पे आप फोर निकाल चुके हो, ट्वेल्व माइनस नाइन माइनस फोर, थ्री माइनस फोर माइनस फाइव आ गया, इस तरह आपको थर्ड टर्म निकल गया। इस तरह आपको बोल रहा है टेंथ टर्म निकालने के लिए, तो अगर आपको टेंथ टर्म निकालना है तो टेंथ टर्म निकालने के लिए सम ऑफ टेंथ टर्म माइनस सम ऑफ नाइन टर्म, सम ऑफ टेंथ टर्म में से सम ऑफ नाइन टर्म माइनस करोगे तो आपको निकल जाएगा ना। ठीक है, देखो टेंथ टर्म का सम क्या हो गया, जहां जहां एन है वहां वहां टेन पुट कर दो, तो फोर इंटू टेन माइनस टेन का होल स्क्वायर और माइनस यहां पे जहां जहां एन है वहां वहां नाइन पुट कर दो, तो फोर इंटू नाइन माइनस नाइन का होल स्क्वायर, इस तरह करके आप टेन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।